नमस्ते दोस्तों, दिस इज पी विजय। आज आया हूं मैं पनवेल में, एंड पनवेल में मुझे एक बहुत ही अच्छा खासा इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम दिखा। और ये जो ओरिजिनल ब्रांड है, ये आरआर केबल पता है आपको? वैसे आरआर ग्लोबल नाम का एक ब्रांड है। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। ये है बी गॉड्स की B8 लिथियम आयन वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर है गाइज, 1900 वाट वाला इसका मोटर है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैं बात करना चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं इससे लुक्स के, डिजाइन से। अगर आप आगे से देखो तो बहुत ही अच्छा खासा दिखने वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। फ्रंट में आपको LED DRLs मिल जाएंगे और LED हेडलैम्प मिल जाएगा। जैसे आप नीचे आते हो, यहाँ पे आपको बी गॉड्स का जो लोगो है उनका ब्रांडिंग दिखेगा। जैसा नीचे आता हो, यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये हाई स्पीड वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इसको नंबर प्लेट मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जैसे आप नीचे आते हो, हियर यू विल सी, जो ओवरऑल मुझे स्ट्रेंथ लगा अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपको पता है गाइज, मैं हीरो इलेक्ट्रिक को हमेशा गाली देता हूँ, क्योंकि बड़ा ब्रांड है बट क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है, सर्विस में प्रॉब्लम है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता बी गॉड्स का ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है, ये आरआर केबल वाले, आरआर ग्लोबल ने मैन्युफैक्चर किया हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो पुणे में चाकण में बनता है। तो मुझे लगता है अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका। जैसा मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रंट में इसको आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और अच्छा खासा इसका टायर, मुझे ऐसा लगता है शायद 12 इंच का टायर होगा। जैसे मैं साइड में आता हूँ, यहाँ पे लेग स्पेस, बहुत ही अच्छा खासा लेग स्पेस अवेलेबल है। और इसकी खासियत यह है, लेग स्पेस के साथ में आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। अभी मैं इसका कंपैरिजन अगर ओकिनावा की आईप्रेस प्लस नहीं, आईप्रेस प्रो के साथ कर रहा हूँ, ओकिनावा की प्रेस प्रो, तो प्रेस प्रो का प्रॉब्लम यह है ओकिनावा के, कि उनको जो बूट स्पेस है वो अवेलेबल नहीं है। पूरा बूट स्पेस जो है बैटरी खा जाती है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बट इसमें लेग स्पेस भी बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप बहुत अच्छा खासा लोड कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे बूट स्पेस है वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे मैं पीछे आता हूँ, हियर यू विल सी बॉश कंपनी का 1900 वैट का पिक पावर वाला मोटर है, बहुत ही तगड़ा BLDC हब मोटर दिया है। उसके साथ में आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाएंगे। एंड इफ यू सी बैक साइड ऑफ द स्कूटर, अगेन LED टेल लैम्प है, DRLs है, अच्छा खासा लुक है। यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएगा। इस साइड से अगर आप देखते हो तो क्रोम फिनिश में इसमें साइड ये प्रोटेक्शन दिया है। पीछे आपको अच्छा खासा मडगार्ड भी मिल जाएगा, एंड ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक मिलेगा। नाउ मैंने मोटर का बोल दिया, बॉश कंपनी का मोटर है, 1900 वैट पिक पावर वाला मोटर, बहुत ही तगड़ा BLDC मोटर है। गाइज, इस मोटर की बात करूँ तो ये जो मोटर है, मैंने तो पिक पावर आपको बोल दिया 1900 वैट्स का पिक पावर है, बट इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि ये IP67 है, तो ये अच्छा खासा वाटर प्रूफिंग आपको देगा। और उससे भी बढ़िया इसका टॉर्क है। आपको पता है, हम जब सिटी में ट्रैवल करते हैं तो फ्लाईओवर्स आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आपको एलिवेशन पार करना पड़ता है, तो इसका टॉर्क भी बहुत अच्छा है। 94.6 न्यूटन मीटर का इसको टॉर्क अवेलेबल है। तो अगर आप डबल सीट भी बैठते हो, तो डबल सीट भी बैठ के आप इजीली फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ सकते हो। इस मोटर को गाइज आपको मिल जाएगा 3 साल का वारंटी, वो दो उसको कंडीशंस है, आइदर 3 ईयर्स और 24,000 किलोमीटर्स, जो पहले होगा वो कंसिडर किया जाएगा। बैटरी को भी वारंटी मिलेगा 3 ईयर्स, 24,000 किलोमीटर्स, कंट्रोलर की भी वही वारंटी है। अभी मोटर की तो बात कर दी गाइज, 1900 पिक पावर वाला मोटर है। अभी बात करते हैं बैटरी की। लेट मी ओपन इट्स बूट स्पेस, इसका बूट स्पेस खोलता हूँ मैं। ओके, खुल चुका है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको दिख जाएगा बूट स्पेस अवेलेबल है। करीबन 17 लीटर्स का बूट स्पेस है। और अगर मैं ये निकालता हूँ तो इसके नीचे आपको बैटरी पैक दिखेगा, जो डिटैचेबल बैटरी पैक है। सो ये जो बैटरी पैक है, आप अच्छे से निकाल सकते हो। अभी बैटरी की बात करूँ गाइज, इसमें करीबन 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी अवेलेबल है। अभी किलोवाट आवर क्या है? इट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी। मैं हर वीडियो में आपको ये बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग किलोवाट आवर और किलोवाट में कन्फ्यूज हो जाते हैं। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट इज अ यूनिट ऑफ पावर। तो 1.5 किलोवाट आवर मतलब क्या हुआ? एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। मतलब ये बैटरी जब आप फुल चार्ज करोगे, तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर है, वो 1.5 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, आपको दिखाएगा। आपने ये बैटरी चार्ज किया तो 1.5 यूनिट आपका कंज्यूम होगा। अभी अगर ऑन एन एवरेज में कंसिडर करूं, बहुत ही बड़ा नंबर कंसिडर कर रहा हूं, 10 रुपीज कॉस्ट है 1 यूनिट की, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करने के लिए आपको
10 × 1.5 मतलब करीबन 15 रुपीज लगेंगे। तो सोचिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गाली देते हैं, बट उनको ये पता नहीं है कि रनिंग कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ही चीप है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 पैसा प्रति किलोमीटर वो चलता है। इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर की बात करूं तो 1 रुपया प्रति किलोमीटर वो चलता है। तो इसका जो बैटरी है, इसको अच्छा खासा हैंडल दिया गया है। आप यहां से उसका कनेक्टर निकाल के यहां पे एमसीबी दिया है, प्रोटेक्शन सब कंसीडर किया है। इसका जो बैटरी है वो एनएमसी केमिस्ट्री का है। गाइस, एनएमसी केमिस्ट्री की खासियत यह है कि उसका एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होता है। एलएफपी में आपको प्रोटेक्शन अच्छा मिलेगा, 250 डिग्रीज के बाद में उसका थर्मल रन में होता है, बट एनएमसी जो है उसमें आपको एनर्जी डेंसिटी ज्यादा मिलता है। तो ये जो बैटरी है आपको करीबन 70 किलोमीटर की रेंज देगी। गाइज, सिंगल बैटरी वाली स्कूटर है, यहां पे ये ड्यूअल बैटरी वाली भी स्कूटर है, बट इनका जो मोस्ट सेलिंग मॉडल है वो सिंगल बैटरी वाला है। तो एक बार चार्ज करो 15 रुपए में 70 किलोमीटर लेके जाएगी। इसका टॉप स्पीड है कितना सर? टॉप स्पीड 50 km/h इसका टॉप स्पीड है। गाइज, बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दूसरा आंकड़ा इधर हो जाए। तो आप समझ लीजिएगा, इन सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के वेबसाइट अवेलेबल होते हैं, एक दो नंबर इधर उधर हो गए तो आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो अभी मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं इसका शीट लगा के। सर प्लीज, देन आई शो यू द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। बाकी आप कलर देख सकते हो, ये मस्त वाला थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर है, उसके बाद में ये पूरा ब्लैक दिखेगा, और ये जो है रेड वाला ये ड्यूअल बैटरी वाला है। आई गेस सिंगल बैटरी में भी रेड कलर आता होगा गाइस। ओके, सिंगल बैटरी में भी ड्यूअल रेड कलर आपको मिल जाता है। अभी आते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में, बैठ के दिखाता हूँ आपको। इसमें मैं बैठ गया, अभी मैं चालू करने वाला हूँ। ओके, सो मस्त एकदम डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। यहाँ पे आपको इसका ओडोमीटर दिख जाएगा, मोड कौन सा है वो दिख जाएगा। मोड के लिए यहाँ पे की दिया है गाइज। सर यही की है ना? ये वाला की है। ओके, जब मैं की दबाता हूँ मोड चेंज हो जाता है। ये देखो, तीन मोड्स है, 1, 2, 3, तीन मोड्स है इस स्कूटर में। उसके बाद में यहाँ पे आपको लैंप का बटन मिल जाएगा, उसके बाद में इंडिकेटर्स का मिल जाएगा, इसके बाद में ये जो है दोनों अगर इंडिकेटर्स चालू करने आपको, राइट सर? इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम? के पार्किंग लाइट, हैजार्ड लाइट है ये। इस साइड पे आओ तो अपर डिपर अवेलेबल है, इंडिकेटर्स अवेलेबल है, हॉर्न है, हॉर्न बहुत ही तगड़ा है, और इसको रिवर्स मोड भी आता है गाइज, इट कम्स विथ रिवर्स मोड ऑल्सो। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको आई गेस ये रेडी है अभी, तो मैं अगर आइसोलेट करूंगा तो ये आगे जाएगा, बट यहाँ पे मेन स्टैंड पे है अभी ये। साइड स्टैंड सेंसर होगा उसको। ओके, सो इफ साइड स्टैंड सेंसर, अगर साइड स्टैंड ऑन है तो वो पार्किंग मोड में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक स्कूटर चालू नहीं होगा। जैसे मैं साइड स्टैंड ऊपर करता हूँ वो पार्किंग मोड में से बाहर आ गया, वो रेडी है। अभी अगर मैं इसको पहले मोड पे डालता हूँ, ओके, इसमें मोड मध में डाला, और अगर मैं घुमाता हूँ तो आपको यहाँ पे स्पीड दिखेगा। अभी ये नो लोड कंडीशन है, नो लोड कंडीशन में तो बहुत तगड़ा स्पीड मिलेगा। मैं मोड 2 कर रहा हूँ अभी, फुल एक्सेलरेट किया है मैंने, ये देखो गाइस 49, एंड मोड 3 में जा रहा हूँ अभी। नो लोड कंडीशन है, जब लोड नहीं है तो मोटर आपको मैक्सिमम स्पीड देगी। तो नो लोड में 53 दे रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैं लोड डालूंगा इसके ऊपर तो शायद ये करीबन 45 to 50 km/h तक का टॉप स्पीड मुझे ज़रूर दे देगा। यहाँ पे टेम्परेचर दिख जाता है, एंड हाउ मच बैटरी चार्ज इज देयर, दैट ऑल्सो यू कैन सी ओवर हियर रियल टाइम। सो मुझे बहुत ही सॉर्टेड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर लगा। गाइज, आपको एक बात बोलता हूँ, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स है, एथर है, ओला है, और वो बेस कैसे रही है गाड़ी की, बहुत सारे फीचर्स है उसमें, GPS आता है, जियो टैगिंग आता है, उसके बाद में मैप्स देख सकते हो, गाने लगा सकते हो, बट मुझे आप बोलो गाइज, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों खरीदते हो? आप खरीदते हो वो कम्यूटिंग के लिए, आपको गाने सुनने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है, पहला एक बात। दूसरा बात, आप कम्यूटिंग के लिए अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ कर रहे हो, डेली आपका एक ही रास्ता होने वाला है, तो उसके लिए मैप्स नहीं लगने वाले। आपको अगर एक सिटी में से दूसरे नए सिटी में जाना है, वहाँ पे कुछ ढूंढना है, तो GPS, मैप्स, ये सब रिक्वायर्ड है। बट मुझे नहीं लगता, अगर आपको बेसिकली कम्यूटिंग के लिए स्कूटर लेना है या सिटी यूज़ के लिए लेना है, तो उसमें वो टच स्क्रीन होना चाहिए, GPS होना चाहिए, जियो टैगिंग होना चाहिए, ब्लूटूथ होना चाहिए, दिस इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। एंड और एक उसका बड़ा प्रॉब्लम ये है गाइज, उसका जो 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले है उसकी कॉस्ट 20-25,000 हो जाती है। सो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको वो 20-25,000 खर्चा करके वो नया डलवाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता, आपको अगर बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो बी गॉज एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए।
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इसका जो शोरूम है उसका डिटेल एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अभी पनवेल में हूँ। सो बहुत ही अच्छी खासी दिखने वाली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। सर हाउ मच इज द एक्स शोरूम प्राइस? 84,000। ओके, सो एक्स शोरूम प्राइस इसकी है करीबन 85,000। एक्स शोरूम में क्या आता है गाइज? एक्स शोरूम मीन्स एक्सक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस, एक्सक्लूडिंग एसेसरीज। तो मुझे ऐसा लगता है वो ऐड करके मैक्स टू मैक्स, दिस इज ये मेरा परसेप्शन है, आई एम नॉट आस्किंग टू द ओनर, मुझे ऐसा लगता है करीबन ये 95 के अंदर आपको मिलनी चाहिए। इट इज़ नॉट माई, इट इज़ माई परसेप्शन, इट इज़ नॉट ओनर्स परसेप्शन। ओके, सो देख लो एक बार, बहुत ही अच्छा लगा मुझे विजिट करके शोरूम। यहाँ के लोग भी मुझे अच्छे लगे, उनका लोगों ने अच्छा ग्रीट किया। ओके, और विद इन 2 मिनट्स मैं तैयार हो गया और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये हो गए 3 डिफरेंट कलर्स वाले बी गॉस के B8 इलेक्ट्रिक स्कूटर लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ। अगर आप ड्यूअल बैटरी लेना चाहते हो तो ये दूसरा स्कूटर आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फिर से एक बार बोल देता हूँ, इसका रेंज है 70 किलोमीटर्स का, इसका टॉप स्पीड है 50 km/h, इसमें 1.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी आ जाती है, इसमें 1900 वैट्स का बॉश का BLDC हब मोटर है। तो बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। कुछ भी कमेंट्स है, सजेशंस है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।